झोने की फसल के सीजन खत्म होए 3 महीने बीत चुके हैं, पर गुरदासपुर पिछले 2.5 महीने तो गुरदासपुर नाल संबंधित 100 के करीब किसानों उन्होंने सरकार नू वेची फसल की अदायगी पंसब वालों नहीं की जा रही, जिस कारण अज किसानों ने पंसब दफ्तर अगे धरना लगा के अधिकारियों नाल रोस प्रदर्शन किया। किसानों ने दसा कि 2 महीने पहला एक राइस मिल के मालिक ने पंसब अदारे नाल फराड कर किसानों की 96,000 के करीब झोने की बोरी नू खुरद बुरद किया, जिस के पैसे अजे तक किसानों नू नहीं मिल रहे। किसानों ने कहा कि जो फरॉड होया है उस नाल किसानों का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए किसानों की पेमेंट पंसब दफ्तर वालों तुरंत की जाए। उन्होंने पंसब अधिकारियों को चेतावनी दी कि जेकर उन्होंने अदायगी जल्द ना की तो वह जम्मू अमृतसर नैशनल हाईवे अणमिथे समय लिए जाम कर देंगे। असं इतने बैठे हाँ भी साड़ी मंडी बागवाणी का पैड़ी के सीजन के उत्ते गोल्डन ओवरसीज बुत्ते निंगल मंडी अलाट हुई सी, तो ये सारी मंडी का झोना जड़ा उत्थे गया। वो गोल्डन ओवरसीज कोई महकमे नाल महकमे की मिली भुगत नाल कोई लगभग ये दस दिया भी लख बोरी जड़ा उत्थे झोना घटिया, वो इन्हां नाल फराड कर गया। इन्हां ने जिदण वह फराड होया उस दिन ही आण के विजिलेंस दीआं टीमां ने मंडी दे विच्चों सारा रिकॉर्ड लै लिया कि तुसीं अज तक किन्ना माल तोलिया सी, किन्ना तुसीं दे चुके हो और किन्ना तुहाडे कोल आ। वो सारा रिकॉर्ड लैण दे बावजूद भी इन्हां ने मिलान कर ली, पर अज तक ना इन्हां ने किसानां रहिंदियां दी पेमेंट पाई आ, ना इन्हां ने मजदूरां दी लेबर पाई आ, आड़तियां ही तो चलो अजे बाद दी गल आ। किसान पहलां ही बड़ी मंदहाली दी हालत विच्चों गुजरिया, किसी दे घर कोई विआह ही, किसी की माँ बीमार, किसी का पुत बीमार, किसी की धी बीमार, किसी ने बच्चों दी फीसा देनिया, कई किसानों ने इन्हां पैसों के नाल जिहड़ी पहलियां खादां दवाइयां उधार लईयां सी वह देने ही गाड़ी फिर जिहड़ी आ वह खाद मुल लै के पाउणी सी, पर इन्हां ने किसानों दीआं पेमेंटां रोक के किसानों नूं बदतर करता। किसान जिहड़े आ वो साडे घर आण के सानूं रोटी नहीं खाण दिंदे, दिने रात तंग करदे आ, अहीं बड़े परेशान आ, किसान भी बड़े परेशान ने। मंग अं यो करने भी महकमा जल्दी तो जल्दी जी है किसानों की पेमेंट पावे तो साड़िया भी लेबर कमीशन दे, नहीं सुनता तो फिर साडा अं की कर सकते, साडा तो यही है भी इन्हों के धरने लावे, इन्हों के पुतले फूकेंगे, कोई हाईवे रोकेंगे, किसी जथेबंदी का तरला मारेंगे। किसान जथेबंदियां साढ़े नाल ने, वो सानू विश्वास दवाउंदियां भी आपां इंसाफ लावांगे, इंसाफ वास्ते इत्थे बैठे हाँ। किसान ने 6 महीने अपने पुत्तां वांग सप्पां दे सिरां ते पैर रख रख के फसल पाली आ, ते हैरानगी दी गल आ उहदे उहनां दे पैसे ना मिलण तों की करूगा गाड़ी। किसान ते जवान भलाई यूनियन दी अगवाई हेठ आड़ती ते मजदूरां दे धरने नूं 7वां दिन, साडा इत्थे बैठण दा कारण जिहड़ा उह इह है कि 3 महीने पहलां बख्तपुर इक राइस मिल सी गोल्डन ओवरसीज, उन्हें पंसब का जोड़ा है वह लखा बोरिया का जोड़ा वह गबन किया, करके कुछ 100 तो करीब किसानों की 15 तो वह आड़ती ने और सैकड़े मजदूर ने जिन्हों की मेहनत महकमा पंसब नहीं दे रहा। सो इस करके असी इतने शांतमई ढंग के नाल हालां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जे नहीं साड़ी गल नूं सुनणगे ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਡੀ ਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਆ। ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਾਂਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।